तक भूखी प्यासी रहोगे? सुबह से कुछ नहीं खाया पिया तुमने? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, प्लीज कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं। नाराजगी बात के लिए रख लेना, प्लीज कुछ खा लो। ये सब जरूरतें तो जिंदा इंसानों की होती है। आप तो मुझे खुद से अलग होने का कहकर मार चुके। तुमसे दूर रहकर जिंदा तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, पर मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना। मेरी नीयत गलत है और ना मेरी इंटेंशन। निकाल अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम खुश रहोगी उसके साथ। चुप हो जाइए। क्या कह रही हैं आप? आपको हो क्या क्या? कहां जाके सो गई आपकी गैरत? अपनी बीवी को आप किसी और को सौंप रहे? तक शादी नहीं हो जाती ना, मुझे तो टेंशन ही लगी रहेगी। एक काम करते हैं, रिफत आंटी के घर चलते हैं, उनसे एक अच्छा सा तावीज लेते हैं। और अब्रार को बेकार है, इतने दिन हो गए वो घर पे खाना पीना नहीं करता। मैं बात करके देखूं और उससे क्या होगा? और तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो। वैसे भी महानूर को अब अब्रार में इंटरेस्ट नहीं रहा है, और महानूर के अब्रार की जिंदगी में वापस आने के आसार भी बहुत ही कम है। एक बार ही शादी हो जाए, अब्रार का दिल मैं खुद ही जीत लूंगी। ओ, एक बात तो बताना भूली गई आपको। कौन सी बात? नीनू ने मिकाल भाई का ऑफिस ज्वाइन कर लिया और दोनों के बीच में ना बहुत दोस्ती हो रही है। अच्छा, ट्रस्टिंग। अच्छा चलो, तो आओ कपड़े देखते हैं।